तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं टॉप 5 कंटेंडर के बारे में जो कि आईएसएल सीजन 2021-22 में गोल्डन ग्लव्स को हासिल कर सकता है। कौन सा ऐसा 5 गोलकीपर है जिनका चांस ज़्यादा नज़र आ रहा है गोल्डन ग्लव्स हासिल करने का, यहाँ पर एकदम फुल्ली तरीके से मैं डिस्कशन करके आपको बताने वाला हूँ, फैक्ट के साथ बताऊँगा और सीरियल वाइज होगा। जो कि भाई टॉप में रहेगा उनका चांस मेरे हिसाब से ज़्यादा होगा और पूरा चीज़ भाई यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप लोग जाकर वहाँ पर कमेंट कीजिए अपना भी लिस्ट। तो चलिए बात न बढ़ाकर फटाफट स्टार्ट कर देते हैं नंबर 5 से। तो मेरे हिसाब से नंबर 5 पर रहेगा भाई मोहम्मद नवाज जो कि मुंबई सिटी एफसी का गोलकीपर है। तो मोहम्मद नवाज भाई इससे पहले एफसी गोवा के साथ जुड़ा हुआ था, सर्जियो के अंडर फास्ट चॉइस वो गोलकीपर था, लेकिन लास्ट सीजन जब धीरा सिंह शिफ्ट हुआ एफसी गोवा में तब से वो सेकंड चॉइस बन गया था एफसी गोवा का। लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया वो अपना टीम बदलेगा और भाई इस दफ़ा उन्होंने अपनी टीम ऑफिशियली बदल लिया है, शिफ्ट हो चुका है मुंबई सिटी एफसी में। उन्होंने आईएसएल को ज्वाइन किया था 2018-19 के सीज़न में अंडर 17 वर्ल्ड कप होने के बाद, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है आईएसएल में। हाइट छोटा होने के बावजूद भी उन्होंने एज ए गोलकीपर बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस किया है एफसी गोवा की तरफ से। अभी तक आईएसएल में 43 अपीयरेंस है उनका और इसमें से उन्होंने टोटल 10 क्लीन शीट रखा है, 69 सेव्स है उनके नाम और 11 गोल उन्होंने लास्ट सीजन खाया था, सिर्फ 11 गोल खाया था। और इसके बाद वो मुंबई सिटी एफसी में अब शिफ्ट हो चुका है और हम लोग उम्मीद करेंगे उस तरीके के परफॉर्मेंस का ही, और मेरे हिसाब से यहाँ पर उनके पास ज़्यादा चांस रहेगा क्योंकि उनका पुराना बैकलाइन दोस्त मोटुडा फॉल इनके पास मौजूद है। उसके बाद राहुल बेके जैसा खिलाड़ी भाई आ चुका है, एम ए रनावदे है, मंदाराव देसाई है, तो कम्युनिकेशन मंदाराव देसाई और मटोरा फॉल के साथ इनका अच्छा रहेगा, जिसके चलते मेरे हिसाब से उनका कहीं ना कहीं एक चांस बन रहा है इस दफ़ा गोल्डन ग्लव्स में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है इस दफ़ा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया भाई अरिंदम भट्टाचार्या को जो कि लास्ट सीजन गोल्डन ग्लव्स को हासिल किया था। तो भाई देखिए अभी वो शिफ्ट हो चुका है एससी ईस्ट बंगाल में, लास्ट टाइम एटीके मोहन बगान के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन एटीके मोहन बगान ने साइन किया लिया है भाई यहाँ पर अमरिंदर को। तो मुझे लग रहा है कि उनका चांस थोड़ा बहुत यहाँ पर घट चुका था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया एससी ईस्ट बंगाल में। एससी ईस्ट बंगाल एक नया टीम है, नया कोच के साथ आ रहा है, तो उनके पास कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज हो सकता है, इसीलिए मैं इनको 4 नंबर पर रखा है, नहीं तो इनका नाम और भी ऊपर जा सकता था। देखिए भाई एससी ईस्ट बंगाल का जो बैकलाइन है वहाँ पर बहुत सारा नया खिलाड़ी है, तो तालमेल बिठाना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अभी प्री सीजन में अच्छा किया है, लेकिन फिर भी भाई देखिए प्री सीजन एक अलग चीज़ है और मेन मैच एक अलग चीज़ है, तो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज उनके लिए हो सकता है। लेकिन ये जो गोलकीपर है भाई बहुत ही तगड़ा है, लास्ट सीजन में उन्होंने टोटल 10 क्लीन शीट रखा था और बहुत ही कम गोल कंसीड किया था, एकदम लिस्ट नंबर ऑफ गोल कंसीड किया था लास्ट सीजन में एटीके मोहन बगान और अरिंदम भट्टाचार्या को, भाई उसके लिए ही उनको गोल्डन ग्लव्स दिया गया था। अब चलिए हम बात कर लेते हैं नंबर 3 के बारे में। तो भाई नंबर 3 मेरे हिसाब से इस दफ़ा गुरप्रीत सिंह संधू। हाँ लास्ट सीजन गुरप्रीत सिंह संधू भाई अच्छा किया था, लेकिन जो बेंगलुरु एफसी का बैकलाइन है भाई वहाँ पर फिर से हमें नया सेटअप देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तालमेल में एक गड़बड़ी हो सकता है। फिर भी भाई इंडिविजुअली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है गुरप्रीत सिंह संधू, इंडिया का नंबर 1 गोलकीपर है, आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी भाई यहाँ पर मुझे थोड़ा संदेह लग रहा है, इसलिए मैं उनको रख रहा हूँ नंबर 3 पर, लेकिन ये भाई नंबर 1-2 का कंटेंडर है। सिर्फ बैकलाइन को देखते हुए यहाँ पर बेंगलुरु एफसी का मैं इस तरीके का पॉइंट यहाँ पर रख रहा हूँ गुरप्रीत सिंह संधू को लेकर। हालांकि मसूबो किंग या कोस्टा ये दोनों ही बहुत ही अच्छा डिफेंडर है, फिर भी चलिए देखते हैं कि क्या होता है। मेरा गट फीलिंग्स जो है भाई उसके अनुसार मैं यहाँ पर गुरप्रीत संधू को 3 नंबर पर रख रहा हूँ गोल्डन ग्लव्स के रेस में, वो भाई जीत भी सकता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें नंबर 2 की, तो यहाँ पर मैंने भाई रखा है धीरज सिंह को। तो धीरज सिंह को क्यों रखा हूँ मैं, तो धीरज सिंह देखिए भाई अभी जो एफसी चैंपियन लीग गया है वहाँ पर बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस डाला था एफसी गोवा के तरफ से, उनका परफॉर्मेंस भाई बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आया था और बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है भाई, दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है। और अभी जो भाई अंडर 23 एशियन कप हुआ था इंडिया की तरफ से वो खेल रहा था और उन्होंने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस किया है, किर्गिस्तान के खिलाफ जो पेनल्टी शूटआउट हुआ था वहाँ पर 2-2 सेव उन्होंने लगाया है
और उसके साथ साथ जो डिफेंस लाइन है एफसी गोवा का, वहाँ पर बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी मौजूद थे, डैलन फॉक्स और इवन गोंजालेस। तो इन दोनों के साथ तालमेल इनका बहुत ही अच्छा बैठेगा और उसका फ़ायदा भाई यहाँ पर विराट सिंह को मिलेगा ही मिलेगा। तो विराट सिंह भाई एकदम टॉप कंटेंडर है गोल्डन ग्लव्स हासिल करने का। इसके बाद मैंने एक नंबर पर रखा है भाई अमरिंदर सिंह को। देखिए भाई अमरिंदर सिंह का चांस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एटीके मोहन बगान का जो डिफेंस लाइन है वो बहुत ही तगड़ा है। हालांकि अभी यहाँ पर आपको संदेश जिंगर नज़र नहीं आ रहा है, वो अगर रहता तो भाई और भी ज़्यादा बेहतर चांस बनता यहाँ पर अमरिंदर के लिए। लेकिन फिर भी भाई तीरी जैसा खिलाड़ी मौजूद है और हवास जो उनका कोच है वो डिफेंसिवली ज़्यादा अच्छा रहता है, तो यहाँ पर कम से कम गोल कॉन्सिड करेगा, क्लीन शीट भी मिलेगा उनको, डिफेंस लाइन भी बहुत ही तगड़ा है, एटीके मोहन बगान का फुल टीम वर्क रहेगा और इंडिविजुअली जो ब्रिलियंस वो दिखाता है भाई वो भी एक काबिल तारीफ चीज़ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अमरिंदर सिंह को गोल्डन ग्लव्स इस दफ़ा मिल सकता है। यहाँ पर दो नाम भाई मैं आपको कन्फर्म करके बता रहा हूँ मेरे तरफ से, एक है धीरा सिंह, दूसरा है अमरिंदर सिंह। ये दोनों में से कोई एक जीत सकता है इस दफ़ा गोल्डन ग्लव्स। आप लोगों का भी पर्सनल ओपिनियन है कुछ तो वो वाला चीज़ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। मेरे हिसाब से जितना हो सका गोल्डन ग्लव्स के बारे में डिस्कशन मैंने कर दिया है, आप लोग भी जरूर करना। फिलहाल के लिए भाई वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।